हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में साधारण पैमाना बनाना सीखा था कि साधारण पैमाना हम किस लिए बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यदि आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप दो लेक्चर मेरे इंजीनियरिंग ड्राइंग के देख लीजिए, तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप यूनिट कन्वर्जन कैसे करोगे, आरएफ कैसे निकालते, लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते, ये सब आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डायगोनल स्केल कैसे बनता है, विकर्ण पैमाना कैसे बनता है और विकर्ण पैमाना आपको कब बनाना पड़ता है। ठीक है, कि जैसा कि हमने शुरू वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पैमाने हम तीन प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, एक साधारण पैमाना, दूसरा विकर्ण पैमाना, तीसरा वर्नियर पैमाना। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, साधारण पैमाना आप कब बनाओगे, जब आपको दो क्रमागत मात्रकों को नापना है तब आप साधारण पैमाना बनाओगे। ठीक है, जब दो क्रमागत मात्रकों को यदि नापना है तो आप साधारण पैमाना बनाओगे, जब तीन क्रमागत मात्रकों को यदि नापना है तो आप विकर्ण पैमाना बनाओगे। ठीक है, वो चार्ट याद है, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं कि यदि दो क्रमागत यूनिट को नापना है तो साधारण पैमाना, और यदि तीन क्रमागत यूनिट को नापना है तो विकर्ण पैमाना। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि विकर्ण पैमाना कैसा बनेगा। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि एक विकर्ण पैमाने की रचना कीजिए जो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये तीनों क्रमागत यूनिट है। उस चार्ट में देखना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, ये तीनों क्या है, क्रमागत यूनिट है, मतलब तीनों एक ही लाइन में आते, एक ही सिक्वेंस में आते। ठीक है, तो इसे बोलते क्रमागत यूनिट। तो तीन क्रमागत है तो उसने कौन सा पैमाना बोला, विकर्ण पैमाना। यहाँ तक क्लियर हो गया, जिसमें दो मीटर एक मीटर, दो सेंटीमीटर एक मीटर को प्रदर्शित करे। ठीक है, मतलब एक मीटर की कोई वस्तु है, वो एक मीटर को प्रदर्शित करने के लिए आपने ड्राइंग में दो सेंटीमीटर की लाइन से उसको प्रदर्शित करा। अब एक मीटर की वस्तु हो तो एक मीटर लंबी लाइन तो खींचोगे नहीं, एक मीटर की वस्तु हो तो एक मीटर लंबी लाइन तो खींचेंगे नहीं, तो एक मीटर को प्रदर्शित करने के लिए आपने दो सेंटीमीटर की सहायता ली। ठीक है, और अधिकतम कितना माप सके, पाँच मीटर वो अधिकतम नाप सके। ठीक है, तो इस पैमाने पर तीन मीटर, पाँच डेसीमीटर और पाँच सेंटीमीटर को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा था कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, आरएफ। ठीक है, यदि किसी को आरएफ का फॉर्मूला नहीं पता है तो वो एक बार मेरा पहला वाला लेक्चर देख ली, जिसमें मैंने अच्छे से बताया कि आरएफ क्या होता है। ठीक है, आरएफ होता है ड्रॉइंग पर वस्तु का प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। तो प्रदर्शित माप मतलब वस्तु को दो सेंटीमीटर, वस्तु वास्तविक में एक मीटर की है, वस्तु वास्तविक में एक मीटर की, लेकिन उसको दो सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो ऊपर क्या लिखोगे, प्रदर्शित माप, और नीचे क्या लिखोगे, वास्तविक माप। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इन दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, सेम। इन दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, सेम। तो या तो दोनों को मीटर में बदल लो या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ, तो एक मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, दो से ये 50 बार कटेगा, तो आपका आरएफ कितना आ गया, 1/50। आपका आरएफ कितना आया, 1/50। ठीक है, आरएफ निकालने के बाद आप क्या निकालते हो, आरएफ निकालने के बाद आप निकालते हो लेंथ ऑफ स्केल। क्या निकालते हो, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आरएफ। तो आरएफ कितना है, 1/50 इंटू अधिकतम दूरी, इंटू अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी कितना देकर रखा आपको, 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 5 मीटर। ठीक है, मैंने क्या कहा था, लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में निकालना, लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में निकालना, क्योंकि आप जिस स्केल से ड्राइंग बनाते हो वो स्केल सेंटीमीटर में पड़ता है, वो स्केल कहाँ में पड़ता है, सेंटीमीटर में पड़ता है। तो यहाँ पर इस मीटर को कहाँ में बदल लो आप, सेंटीमीटर। तो 1/50 इंटू 500 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, जितना लेंथ ऑफ स्केल आए उतनी लंबी एक लाइन खींचते, जितना लेंथ ऑफ स्केल आए उतनी लंबी एक लाइन खींचो। तो मैं 10 सेंटीमीटर की एक ये लाइन खींचता हूँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ। ठीक, ठीक है, अब इस लाइन को क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। कितने भाग में डिवाइड करेंगे, तो मैंने कहा था जितने अधिकतम दूरी बोले उतनी
इसके डिवाइड करना। तो अधिकतम माप कितना बोला, 5। तो इस लाइन के कितने पार्ट करो, 5 पार्ट्स कर दो। कैसे करते, इस पे कोण पे कोई सी भी एक लाइन लेते, ठीक है, और इसके 5 चाप काट दो, ठीक है, एक दो तीन चार और ये 5, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, इस लास्ट चाप को इस एंड पॉइंट से मिला देते, इस लास्ट चाप को इस एंड पॉइंट से मिला देते, ठीक है। फिर रोलर स्केल को इस पर सेट करके इसके समांतर लाइन खींचते जो इन चाप से होके जाए, एक समांतर रेखा को प्रदर्शित करते जो इन चाप से होकर जाए, दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद साधारण पैमाने में हम 1 सेंटीमीटर की एक बॉक्स बना देते, तो विकर्ण पैमाने में हम 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ एक खींची, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ एक खींची, ठीक है। और इन दोनों लाइन को मैंने क्या करा, आपस में मिला दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इन लाइनों को ऊपर ले जाओ, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आती है नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग कैसे करते, तो मैंने बोला था हमेशा नंबरिंग 0 से करना, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। अभी आपने कौन सा स्केल बनाया, तो देखिए आपको उसने 3 मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर में सबसे बड़ा क्या होता है, मीटर बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप कौन सी स्केल बनाई आपने, मीटर की, तो ये आपकी कौन सी स्केल बन गई, मीटर। यहाँ क्या लिख दोगे आप, मीटर, ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे आप, मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको कौन सी स्केल बनाना है, डेसीमीटर, मीटर का स्केल बन गया, आपको कौन सा स्केल बनाना है, डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, उस चार्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपको शुरू स्टार्टिंग वाले दिन मैंने जो चार्ट बनाया था उससे बता रहा हूँ कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब आपको डेसीमीटर बनाना है, तो आप देख रहे हो कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और ये शुरू वाला जो ब्लॉक है वो 1 मीटर का ब्लॉक है। यदि इस ब्लॉक के मैं 10 भाग कर दूँ, इस ब्लॉक के मैं 10 भाग कर दूँ, तो 1 भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा, 1 भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा। तो इस शुरू वाले भाग को मैं 10 भाग में बदल देता हूँ, देखिए दिख रहा है यहाँ तक, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 10 चाप काट लिए। उसके बाद क्या करते, इस एंड चाप को, लास्ट वाले चाप को इस लास्ट वाले पॉइंट से मिलाते, ठीक है, इस लास्ट वाले चाप को इस लास्ट वाले पॉइंट से मिलाते, ठीक है। इन पॉइंटों को फिर पीछे की ओर बढ़ाओ, मतलब यहाँ पर रोलर स्केल रख के रोलर स्केल को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो हर एक समांतर रेखा खींचना जो इन चाप से होकर जाए, ठीक है, इस तरीके से। आया समझ में, इस तरीके से इसके 10 पार्ट करोगे। इसके बाद आती है नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग के लिए क्या करते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये आपने कौन सा स्केल बनाया, मीटर के बाद ये आपने बनाया है डेसीमीटर का स्केल। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डेसी
मीटर, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डेसी मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद हम साधारण पैमाने में क्या करते, इन सब लाइन को ऊपर की ओर मिला देते, इन सब लाइन को ऊपर की ओर मिला देते। तो अब विकर्ण पैमाने में क्या ध्यान रखना, इन लाइनों को डायरेक्ट ऊपर नहीं मिलाना, इन लाइन को अभी डायरेक्ट ऊपर नहीं मिलाना। कैसे मिलाओगे समझो, इन पॉइंटों को ऊपर की ओर मार्क करके रख दो। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंटों को ऐसे ऊपर की ओर मार्क करके रख दीजिए। ठीक है, फिर मैं बता दूं क्या करना। हो गया मार्क? ठीक है, इसके बाद इसकी ऊपर भी नंबरिंग कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, या अंदाजा एक मार्किंग कर दो, मतलब ये लाइन ऊपर लिखने की भी जरूरत नहीं, आपके दिमाग में लेना चाहिए कि ये वन वाली लाइन है। ठीक है, इसके बाद इस जीरो वाले लाइन को, ये जो जीरो वाला पॉइंट है, देखना इस जीरो वाले पॉइंट को इस वन वाले पॉइंट से मिला दो। ठीक है, ये इस तरीके से, ये जीरो वाला पॉइंट है, वन वाला पॉइंट है, ये जीरो वाले पॉइंट को इस वन वाले पॉइंट से मिला दिए। ठीक है, इसी कारण इसको बोला जाता है विकर्ण, विकर्ण मतलब तिरछे में मिलाना। फिर इस वन वाले पॉइंट को इस टू वाले पॉइंट से मिला दो, फिर इस टू वाले पॉइंट को थ्री वाले पॉइंट से मिला दो, थ्री वाले पॉइंट को फोर वाले पॉइंट से, फोर वाले पॉइंट को फाइव वाले पॉइंट को यहाँ पर, सिक्स वाले पॉइंट को यहाँ पर, सेवन वाले पॉइंट से, सेवन वाले पॉइंट पे यहाँ पर, एट वाले पॉइंट को यहाँ पर, नाइन वाले पॉइंट को, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बच रहा है और यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट बच रहा है। देखना, इस कॉर्नर को इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हमको विकर्ण में मिलाना। विकर्ण मतलब त्रियक, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब होता है कोने को मिलाना, दो कोने को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो सेम इसी तरीके से इस पैमाने को विकर्ण पैमाने इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन को हम सीधी नहीं मिलाते, इस लाइन को हम विकर्ण मिलाते, विकर्ण मतलब तिरछे मिलाते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रहेगी कि इस लाइन को कभी भी सीधे नहीं मिलाना, इस लाइन को हमेशा काय में मिलाना, विकर्ण में मिलाना। तो ये आपका डेसीमीटर वाला स्केल बन गया। अब आपको कौन सा स्केल बनाना है, सेंटीमीटर का स्केल बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक, इधर देखिए थोड़ा सा इसको, इधर कर दो, तो दिख जाएगा। अब देखिए मीटर बन गया, डेसीमीटर बन गया, अब क्या बनाना है, सेंटीमीटर। तो अब इस डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन पता करो कि डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते। ठीक है, तो मीटर वाली स्केल बन गई, डेसीमीटर वाली स्केल बन गई, अब कौन सी स्केल बनाना है, सेंटीमीटर की स्केल बनाना है। ठीक है, तो सेंटीमीटर की स्केल आप बनाओगे कहाँ, तो वो वाली स्केल हम बनाते हैं इस साइड में। ठीक है, वो वाली स्केल कहाँ बनाते, साइड में। तो ये जो आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन दिख रही है, इसके कितने पार्ट कर दो आप, इसके 10 पार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 10 सेंटीमीटर होते, तो इस लाइन के हम कितने टुकड़े करेंगे, 10। ठीक है, देखिए कैसे, 10 से आप काट दिए।
उसके बाद क्या करते थे, इस लास्ट वाले चाप को एंड वाले पॉइंट से मिलाते थे इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर रोलर स्केल को सेट करके इस रोलर स्केल को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, इस तरीके से आपके पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। आ गया समझ में। फिर इन पॉइंटों को सीधे सीधे मिला दो, जैसे रोलर स्केल को यहाँ पर रखा, ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को ये, आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। ये थोड़े लाइन तिरछे मिले, आप जब इसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाओगे ये लाइन एकदम एग्जैक्टली सीधे सीधे मिलने चाहिए, ठीक है। ये लाइन एग्जैक्टली सीधे सीधे मिलने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नंबरिंग की बारी आती है। अब नंबरिंग कैसे करें, यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका कौन सा पॉइंट है, 10 पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा स्केल बना, ये बना आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्केल बन गया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद आपको नापना क्या है, उसके बाद आपको नापना है 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। कैसे नापोगे देखना आप ध्यान से, ठीक है। 3 मीटर मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से बना के दिखाता हूँ। ये 3 मीटर मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन को आप हल्का सा ये ऊपर ले गए, ठीक है। इसके बाद 5 डेसीमीटर, 0 1 2 3 4, ये 4, ये 5, ये 5 वाला पॉइंट यहाँ पर आया, ये 5 वाला पॉइंट ये यहाँ पर आया, ठीक है। ये 5 वाला पॉइंट यहाँ पर आया, दिख रहा है, ये 5 यहाँ पर आया, ये 5 वाला पॉइंट यहाँ पर है। इसके बाद ये आपका 5 डेसीमीटर हो गया। 5 डेसीमीटर के बाद आपको 3 सेंटीमीटर जाना। 3 सेंटीमीटर कैसे जाओगे देखना, ये 0 है, 1 2 3, ये 3 आ गया, ये देखना ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3। ये जो पॉइंट आया ये आपका आया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सीधी सी एक लाइन खींच दो इस तरीके से, ठीक। और ये जो लाइन की बीच की दूरी है, ये दो लाइन के बीच की दूरी है, ये आपको क्या प्रदर्शित करेगी, ये आपको प्रदर्शित करेगा 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये आपका पूरा बन गया विकर्ण पैमाना, ये आपका क्या बना, विकर्ण पैमाना। और तो कभी भी पूरा स्केल बन जाए उसके बाद नीचे हम क्या लिखते, आरएफ। आरएफ कितना है इसका, 1/50, और लेंथ ऑफ स्केल कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे करके हमने डायगोनल पैमाना बनाया, विकर्ण पैमाना कैसे बनाया, ठीक है। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से बनाया हमने, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है, 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है, मतलब वो वस्तु की लंबाई कितनी है, 40 डेसीमीटर है, लेकिन उसे 2 सेंटीमीटर साहब ने प्रदर्शित किया है, ठीक है। 25 मीटर तक पढ़ने के लिए, मतलब अधिकतम दूरी आपको कितनी देके रखी है, 25 मीटर पढ़ने के लिए बताइए, मीटर डेसीमीटर पढ़ने के लिए पैमाना बनाइए जो मीटर और डेसीमीटर में पढ़ सके, ठीक है, जो मीटर और डेसीमीटर में पढ़ सके। और इसमें आपको क्या नाप के दिखाना है, 17 मीटर और
6 डेसीमीटर, 17 मीटर और 6 डेसीमीटर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप इसको विकर्ण पैमाना बनाओगे कि साधारण पैमाना बनाओगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था कि विकर्ण पैमाना कब बनाना, जब 3 मात्रक को नापना हो, ठीक है। यहाँ पर तो 2 चीज़ें बोली, एक तो मीटर और 1 डेसीमीटर, तो सर साधारण पैमाना बनेगा, ठीक है, जो कि गलत है। जो कि क्या हो जाएगा, गलत है। क्यों गलत है समझो, इस 17 को आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते, इस 17 मीटर को आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते। 17 को आप 2 टुकड़े कर दो, एक तो 10 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 6 डेसीमीटर, इस तरीके से हम इसके इसको नापेंगे। ये हो गया 1, 2, 3 मात्रक, हो गया 3 मात्रक। तो जब 3 मात्रक आ जाता है, आप कौन सा पैमाना बनाओगे, विकर्ण पैमाना, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को पोस्ट करके आप खुद बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी स्केल क्या निकालना पड़ता है, आरएफ। सर आरएफ होता है प्रदर्शित माप, तो प्रदर्शित किससे किया गया, 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया। किसको प्रदर्शित किया गया, 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। अब या तो पूरे को डेसीमीटर में बदल लो, या तो पूरे को सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस डेसीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 1 कितनी बार जाएगा, 1/5। तो आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया सर, 1/5, सॉरी आरएफ कितना आ गया, 1/5। उसके बाद आप निकालते हो लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते सर, सबसे पहले लिखते हैं आरएफ इंटू अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी क्या है, 25 मीटर। इस मीटर को मैं काय में बदल रहा हूँ, सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल हमेशा काय में लिखता हूँ मैं, सेंटीमीटर में। तो 5 × 5 और ये कितना आया, 25, ठीक है। 5 × 5 और 25, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, और ये हो गया 50। कुछ गलती करी क्या, अच्छा ये 40 डेसीमीटर है, सॉरी ये कितना है, 40 डेसीमीटर है। तो यहाँ कितना जाएगा, 400 आ जाएगा ना, यहाँ कितना जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 मतलब इसको यदि काटोगे तो आ जाएगा 200। आरएफ कितना आएगा, 1/200, देखना थोड़ा कैलकुलेशन गलती हो गई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/200। तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ स्केल होता है आरएफ, तारएफ कितना है, 1/200 इंटू अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी कितना है, 25, ये 25 इंटू 100। 100 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 25/2 मतलब कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, 12.5 क्या आ गया आपका, सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर आ गया, आरएफ निकल गया और लेंथ ऑफ स्केल आपका निकल गया। तो सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आरएफ और लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, थोड़ा ट्राई करो बनाने की, जितना लंबा लेंथ ऑफ स्केल आए उतनी लंबी एक लाइन खींचो। तो 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ मैं सबसे पहले, यहाँ तक दिख रहा है, ये हो गया आपकी 12.5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब इस लाइन के कितने टुकड़े करने, इस लाइन के कितने टुकड़े करने मतलब कितने पार्ट करने, तो मैंने बोला था कि जितना अधिकतम दूरी उतने पार्ट करने। तो अधिकतम दूरी कितनी है, 25, अधिकतम दूरी कितनी है, 25। तो इस लाइन के 25 टुकड़े करना पॉसिबल है क्या, इस लाइन के 25 टुकड़े करना पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। इस लाइन के अब आप कितने टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े करोगे इस लाइन के। अब मैंने बोला था कभी भी 10 या 10 से बड़ा नंबर आ जाए तो पहले तो उसको 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, मतलब इस लाइन के 5 टुकड़े करना पॉसिबल है, ठीक है। या मैंने बोला था 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करोगे तो 25 को यदि 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5, ठीक है। तो इस लाइन के 2.5 टुकड़े करना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, मतलब 5 टुकड़े करना पॉसिबल है लेकिन 2.5 टुकड़े करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करा, इस 25 को 5 से डिवाइड करा तो आपके कितने भाग आ गए, 5 भाग आ गए। तो आप इस लाइन के कितने भाग करोगे, 5 भाग करोगे, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सी इस पर एक लाइन खींची, अब इसके कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़ा मतलब 5। एक, 2, 3, 4, ये सिंपल सा 5, ठीक। इस एंड वाले पॉइंट को इस एंड वाले पॉइंट से मिला दो, फिर इसके समांतर रेखा खींचते जाओ,
इस तरीके से इसे करते हैं ना, आया ना। ठीक है, फिर एक 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाओ, 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाया, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर हाइट लेके एक बॉक्स बना लिया, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ऊपर की ओर मिला दो, दैट दिस 1, 2, 3 और ये आपका 4 वाला पॉइंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद आती है नंबरिंग की बारी। अब देखना नंबरिंग की बारी, तो यहाँ पर नंबरिंग क्या करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक आएगा। ठीक है, मतलब आप 4 मीटर तक नाप रहे हो, 4 मीटर तक नाप रहे हो ना, लेकिन आपको अधिकतम कितना नापना है इसमें, 25 नापना है। अधिकतम कितना नापना है, 25 नापना है। ठीक है, तो मैंने साधारण पैमाने में बताया था कि जिससे भाग देते उतने का गुणा करके लिखो, जितने का भाग देते उतने का गुणा करके लिखो। देखना, इधर 0 लिखते हो, इधर 1 लिखते हो, तो 1 में 5 का गुणा करोगे तो 5, यहाँ पर 2 लिखते हो, 2 में 5 का गुणा करोगे तो 10, फिर 15, फिर 20, तो ये बन गया पूरा 25, ये 20 और इतना टुकड़ा 5, ये कितना बना, 25 बना कि नहीं बना, 25, हाँ या ना, बन गया। यहाँ पर क्या लिखोगे, कौन सा स्केल बनाया आपने, ये बनाया आपने मीटर वाली स्केल, MET, ये आपने बनाया मीटर वाला स्केल। ठीक है, इसके बाद 10 मीटर बन गया, 10 मीटर आप यहाँ से नाप सकते हो, मतलब मीटर वाला स्केल आपने बना दिया। अब कौन सा स्केल बनाना है, 7 मीटर वाली स्केल। ठीक है, 7 मीटर वाली स्केल कैसे बनाओगे, ये पूरा पार्ट कितने का है, ये पूरा पार्ट कितने का, 5 मीटर का, ये पूरा पार्ट आपका एक पार्ट कितने का, 5 5 मीटर का, पूरा पार्ट 5 मीटर का। अब ध्यान देना थोड़ा इसमें, यहाँ पर यदि 5 के 10 भाग कर दोगे, 5 के 10 भाग करोगे तो एक भाग 0.2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, एक भाग 0.2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, सुनना, यदि मैं इसको चेंज करके ऐसा लिख दूँ, यदि मैं इसको चेंज करके ऐसा लिख दूँ कि 15 मीटर 2 मीटर, तो 15 और 2 भी 17 होते हैं, 10 और 7 की जगह मैंने कितना लिख दिया, 15 और 2, क्योंकि मेरे को यहाँ पर 15 दिख रहा, मतलब 15 मीटर में नाप सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 15 मीटर। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 2। ठीक है, यहाँ पर कितना चाहिए, 2, तो इस लाइन के मैं यदि 5 टुकड़े कर दूँ, इस 5 मीटर के 5 टुकड़े कर दूँ, तो एक टुकड़ा 1 मीटर का कहलाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये 5 मीटर का टुकड़ा है, इस 5 मीटर के टुकड़े के मैं यदि 5 टुकड़े कर दूँ, तो एक टुकड़ा 1 मीटर का कहलाएगा, 1 मीटर 2 मीटर, तो आपको यहाँ पर 2 मीटर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 2 मीटर मिल जाएगा। समझना, मैं इसके 10 टुकड़े इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप यदि इसके 10 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा 0.2 सेंटीमीटर का आएगा, एक टुकड़ा 0.2 मीटर का आएगा। ठीक है, 0.2 मीटर का आएगा, तो आपको यहाँ पर 7 मीटर नहीं मिल पाएगा, आपको यहाँ पर 7 मीटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा कि इसको मैंने चेंज करके 15 मीटर कर दिया, इसको 2 मीटर कर दिया, तो 2 भी तो 17 ही होते ना, 15 और 2 भी तो 17 ही होते। ठीक, तो 15 मीटर आप यहाँ से नाप लोगे और इस 5 मीटर के टुकड़े को यदि 5 टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़ा 1 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 मीटर भी मिल जाएगा, तो 15 और 2 आपके 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पहले वाले टुकड़े का आप कितने टुकड़े करोगे, 5, पहले वाले टुकड़े का आप कितने करोगे, 5। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखना, एक, दो, तीन, चार और ये 5। ठीक है, इस लास्ट वाले पॉइंट को, इस लास्ट वाले पॉइंट चाप को इस लास्ट वाले पॉइंट से मिला देते हैं, यहाँ तक तो सबका आता ही है। ठीक है, इसके बाद मैंने 5 टुकड़े कर, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये भी आपने कौन सा स्केल बनाया, ये भी आपने मीटर वाला स्केल बनाया, ये भी आपने कौन सा स्केल बनाया, मीटर वाला स्केल। यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, MET मीटर। ठीक है,
फिर इन पॉइंटों को ऊपर मार्क करो, मिलाना नहीं, ऊपर क्या करना है, मार्क करना है। मिलाना कैसे, इसको डायगोनली मिलाना है, तिरछे में मिलाना है ना, तिरछे में इसको मिलाना है। तिरछे में कैसे, इसे जीरो वाले को दिख रहा है, ये जीरो वाले को इस वन वाले से मिला दो इस तरीके से, फिर इस वन वाले को टू वाले से मिला दो, फिर इस टू वाले को थ्री वाले से मिला दो, फिर इस थ्री वाले को फोर वाले से मिला दो, और इस फोर वाले को इससे मिला दो। याद है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब करते हैं इस वाले पार्ट, तो इसको आप 10 पार्ट में भी कर सकते हो और इसको आप 5 पार्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। यदि 10 पार्ट में करूँगा तो एक एक पार्ट एक एक मीटर का होगा, और यदि 5 पार्ट में करूँगा तो एक एक पार्ट दो दो मीटर का होगा, ठीक है। और ये संख्या कौन सी, 6 डेसीमीटर बनाना है ना आपको, तो 6 डेसीमीटर बनाना है, तो 6 डेसीमीटर मतलब सम वाला नंबर है, तो सम वाला नंबर है तो इसको आप इवन नंबर में भी तोड़ सकते हो। तो या तो इसके 10 टुकड़े कर दो या तो इसके 5 टुकड़े कर दो, ठीक है। 5 टुकड़े करोगे तो भी आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 2, 4, 6, क्योंकि हर एक टुकड़ा दो दो सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, दो दो डेसीमीटर का होगा, ठीक है। या तो फिर इसके 10 कर दो, ठीक है। कौन सा करें, 10 की 5, चलो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो हमने इसको 10 ही कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन के हमने 10 टुकड़े कर देते हैं, दो, ठीक है। ये 10 पार्ट हो गए, इस लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिला दिया, ठीक है। फिर इसके समांतर आप लाइन खींचते गए, दिख रहा है तरीके से आपको इसमें लाइन खींचना, नंबरिंग करना है। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये कौन सा स्केल बना आपका, ये आपका बना डेसी मीटर का स्केल। ये आपका कौन सा स्केल बना, ये आपका बना डेसी मीटर का स्केल, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन लाइन को सीधे सीधे मिला दो ना, को सीधे सीधा इस तरीके से, आगे समझ में, इन लाइन को आपने सीधे सीधे मिला दिया, ठीक है। अब आपको क्या क्या नापना है, देखिए अब आपको नापना है 15 मीटर 2 मीटर और 6 डेसीमीटर, 15 मीटर 2 मीटर और 6 डेसीमीटर। ये 15 वाली लाइन है, तो इस 15 वाली लाइन को आप हल्का सा ऊपर ले जाओ, ठीक है। 15 के बाद 2 मीटर, तो ये 0, 1, 2, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर वाली लाइन ये रही, ठीक है। 2 मीटर के बाद 6 डेसीमीटर, 1, 2, 3, 4, इसको विकर्ण में पढ़ना है ना, ऐसे तिरछे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया आपका 6 वाला पॉइंट, ठीक है। इस 6 वाले पॉइंट को आप ऊपर की ओर ले जाओ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो दो लाइन के बीच की दूरी है, ये दूरी आपको क्या प्रदर्शित कर रही है,
की दूरी आपको प्रदर्शित करके दे रही है 17 मीटर और 6 डेसीमीटर, 17 मीटर और 6 डेसीमीटर। ठीक है, ये आपका बन गया इस क्वेश्चन का स्केल। ठीक है, पूरा स्केल बनने के बाद लास्ट में क्या लिखते आरएफ, तो आरएफ इसका कितना आया सर 1/200 और लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कितना आया सर इसका 12.5 सेंटीमीटर। ये होता है कंप्लीट आपका विकर्ण पैमाना। तो सीख गए विकर्ण पैमाना किस तरीके से बनाएंगे। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिए, और आपके पास कोई सी भी बुक हो उस बुक में क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस करना चालू करिए। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बाय कमेंट बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू।